हाय शार्क्स, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मिलाता हूं। ग्रीसियाना। तो ये ग्रीसियाना एक लोकल शॉप में केले के चिप्स बनाते हैं। क्वालिटी से कोई मतलब ही नहीं है। सबसे सस्ता केला और तेल इस्तेमाल करके एक कढ़ाई में वो चिप्स बनाते हैं और वो तेल वो 2 महीने तक रीयूज करते हैं। केले को ग्लव्स के बिना काटता है और काटने के बाद वो अपने ही गीली और गंदी लुंगी पर ही साफ करते हैं। कभी कभी इसकी पसीना भी इसमें गिरता है, लेकिन उसको भी वो एक नमकीन पंच के नाम से बेचते हैं। शख्स लोग अभी बेहतर लाइफ स्टाइल में अपग्रेड हो रहा है, लेकिन मार्केट में क्या अभी भी वही घिसे पिटे आलू और मैदे के चिप्स, नहीं तो उससे भी खतरनाक ये ग्रीसियाना का चिप्स। अभी बहुत हो गया यार, अभी वक्त आ चुका है ये सब बदलने के लिए। लेकिन उसके पहले हम सबको चाहिए क्या? ग्रीसियाना से छुटकारा। And it is time for us to embrace quality. Introducing Beyond Snack Kerala Banana Chips. And who better than a Malayali to tell you about banana chips? Shucks, mera naam hai Manas Madhu aur main Kerala se aa raha hoon. I am 36 years old. So, take your time. Pani lenge. Nahin, that's fine. Shucks. हमारा चिप्स हेल्दी, टेस्टी, साफ सुथरी और सेम थिकनेस की 4 फ्लेवर्स में भी अभी मार्केट में अवेलेबल है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे आज ट्रेंडिंग हो रहा है। व्हाई डोंट यू ट्राई सम? यस श्योर। समझ नहीं आता, आपको देखें इन्हें देखें, ये भी बड़े एनिमेटेड वे से बात कर रहे थे। शार्क्स, इन जस्ट 1.5 ईयर्स हमने 140 मेट्रिक टन ऑफ बनाना चिप्स बना के बेच चुके हैं। हमारा सपना ये है कि हम पूरे इंडिया के रिटेल में एक पैकेट पोटैटो चिप्स के सामने एक केरला बनाना चिप्स का पैकेट रखा हो। और वो सपने को पूरा करने के लिए आज मैं अपनी कंपनी के 2.5% के बदले 50 लाख मांगने आया हूँ। Who wants to come on board with us to make Beyond Snack Kerala Banana Chips India's favorite go-to snack? Sorry, I was too busy eating. क्या था आपका ask? 2.5% 50 लाख। थैंक यू मानस। पहले तो मैं तारीफ करूंगा, आपका जो इनिशियल स्टाइल था एंट्री का वो बहुत ही जबरदस्त था। थैंक यू। टेस्ट जो है इसका अच्छा टेस्ट है, पर ये टेस्ट और लोग नहीं बना सकते। आपका कोई स्पेशल प्रोसेस है? नो, सी इट इज नॉट अ प्रोसेस, इट इज जस्ट अ स्टैंडर्डाइजेशन। अ गुड फूड साइंटिस्ट कैन इजीली फिगर आउट व्हाट इज अ स्टैंडर्डाइजेशन व्हेन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर। आपने स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया है? कर लिया है। तो लेज वाले आपके पास आए हैं कि हमें दे दो ये चिप्स? अभी तक वो आएगा। ये और कोई नहीं करता, आप भी बना रहे हैं केला चिप्स? नहीं, बहुत लोग बनाते हैं केला चिप्स। या अभी 99% ऑफ द प्लेयर्स इन द मार्केट आर एक्चुअली लोकल प्लेयर्स। लोकली हो? लोकली है। ब्रांडेड नेशनल प्लेयर कोई नहीं है? सी, हल्दीराम्स हैज बनाना चिप्स, बालाजी आल्सो हैज बनाना चिप्स, बट दे आर नॉट बनाना चिप्स स्पेसिफिक। और यू नो जो भी बनाते हैं, कभी भुजिया है, कभी सम मिक्सचर है, सभी समथिंग है। और लेकिन दूसरा वे लेस के जैसा, पेप्सिको जैसा। अभी ये कैटेगरी भी सिनोनिम होता है ब्रांड के नाम से। If you walking into a shop, in your mind you are thinking potato chips, but you are asking Lay's. I want that. मानस, हम लोग दिल्ली में खाते हैं banana chips, तो कभी पैकेट में कम मिलता है और वो नॉर्मल एक पैकेट बनाते हैं, व्हाइट कलर का पॉलिथीन होता है, उसके अंदर एक छोटी सी पर्ची सी डाल देते हैं कि ये banana chips। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। खाने में तो सेम है जैसे नॉर्मल चिप्स होते हैं, तो इसमें कोई क्या फर्क है? टेस्ट, ओके मैं बताऊँ। तो पहली वाला ये है कि आपने जो चिप्स ले रहे हैं ना, तो वो चिप्स पहले आपका किधर जा रहे हैं? ये पहला ये वाला टीथ में जा रहा है या अंदर वाले टीथ में जा रहा है? ये कैसे पता लगाते हैं भाई? ओके, आई विल टेल यू। सो इफ यू टेक इट एंड इफ यू आर बाइटिंग इट विद द फ्रंट टीथ, व्हिच मींस इट इज इजी टू, इट्स अ माउथफील इज बेटर, अदरवाइज इट विल गो डायरेक्टली टू योर मोल्ड। व्हाट हैपेंड इज दैट इट इज कड़क, सो इट इज हार्ड एक्चुअली। सो यू आर नॉट गोइंग टू बाइट विद योर फ्रंट टीथ इफ इट इज हार्ड, राइट? सो इफ यू लुक एट इट, एक सेकंड एक्सपेरिमेंट करने दो। ये बात सही है, बात सही है। आज तक हम गलत खाते थे। नहीं, आपका चिप्स नॉर्मल जो मैंने बनाना चिप्स खाया है उससे थिनर है। थिन, करेक्ट, एग्जैक्टली। सो आई वाज गोइंग टू एग्जैक्टली, वेरी यूनिक फ्लेवर। सो वी आर एक्चुअली मेकिंग ए प्रिसिशन स्लाइसिंग ओवर हियर, द थिन स्लाइसर। आप इसके बारे में मुझे बहुत पैशनेट लगते हो, आप इसके बारे में सोचते हो, दिन रात सोचते हो कि ये चिप्स बेटर कैसे बनाए, तो ये बहुत अच्छी बात है।
तो आपने अब तक कितने पैसे डाल चुके हैं ये बिजनेस? So we have spent close to more than 70 lakh rupees initially. अपना खुद का पैसा है? हाँ, खुद का. और my father also involved with this thing. So he also in. और monthly sales क्या है आपका? 20.6 lakh rupees. 20.6. ये कब, कौन से month का है? Last month, the very last month. और ये 21 lakhs में sales mix क्या है of these four options? ज़्यादा बिकने वाला जो product है original style, हमारा salted one. 50% actually. Yeah. And then the 30% will be coming from peri peri. And 15% will be coming from salt and pepper and cream and onion. So Manas, मैं इसकी pricing देख रहा था. ये 60 रुपए की pricing है. एक वो 20-30 रुपए का pricing हुआ है, वहाँ पे बहुत fast बिकते हैं. और जैसे ही आप 30 रुपए के ऊपर जाते हैं, तो एक वो niche product बन जाता है. तो आपको क्या लग रहा है कि आप इसकी pricing कम करके इसको mass product बना सकते हैं, ये थोड़ा niche product ही रहेगा? So I'll tell you the plan. हम 30 रुपए का packet भी अभी launch कर रहे हैं. अभी focus करेंगे A class category shop में. आप जो बोल रहे हैं हेसिटेशन होता है 60 रुपी के वजह से, वो थोड़ा कम आ जाएगा 30 रुपी के वजह से, सो दैट पीपल विल ट्राई मोर विद द 30 रुपी पैक. एंड अभी पसंद आ गया तो वापस आके ये 60 रुपी पैकेट भी खरीद लिया. बट 30 रुपीज से आप इसको 10 रुपीज पे ला सकते हैं क्या? वी कैन डू इट इन द फ्यूचर. अभी उसके लिए थोड़ा वॉल्यूम सी, अभी हम अच्छे ग्रॉस मार्जिन एंजॉय कर रहे हैं. कितना, क्या क्या ग्रॉस मार्जिन? ऑनलाइन में हम 55% एंजॉय कर रहे हैं और रिटेल में हमने 48% एंजॉय कर रहे हैं. वाओ, 100% कंपनी आपका है? या सी इन माइन एंड माय फादर्स नेम एक्चुअली. एंड जो आपने 70 लाख रुपए लगाए हैं वो भी आपके खुद के ही पैसे लगे हैं इसमें? या माइन एंड माय फादर्स एक्चुअली. यू आर आस्किंग द मनी दैट वी पुट इन, राइट? यस. आपने जो 50 लाख का नंबर निकाला कि 50 लाख रुपए आपको रेज करने हैं, उसको आप यूज कहां करना चाहते हैं? वुड यू बी एबल टू डू ब्रांडिंग विद दिस मनी और इट ओनली बी फॉर द ट्रेड चैनल? Right now, see, we are not focusing on the branding, making the availability part. So this money we will be utilizing to spread across Mumbai. और उसके साथ हम ये सेम थिंग वील रेप्लीकेट इन पूरा महाराष्ट्र में और गुजरात में, दिल्ली में. द रीजन हमारा पूरा ऑनलाइन सेल्स है, हमको पता चल गया कि पूरा 70% ऑफ द टोटल सेल इज एक्चुअली हैपनिंग फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन पार्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द गोवा मुंबई पार्ट ऑनवर्ड्स. दैट वाज अ वेरी शॉकिंग रिवीलेशन. मेरे को लग रहा है कि मैं शायद आपको ऑफर करूं. आप ये बात बताएं मुझे, प्रॉफिट कितना है आपका? 60 लाख हमने किया है पिछले पूरा साल फाइनेंशियल ईयर में और वी हैड अ प्रॉफिट ऑफ 6 लाख रुपीस. 6 प्लस 10% समझ लीजिए. आप ये बात बताएं मुझे, क्या आप अपना ग्रॉस मार्जिन 65-70% ले जा सकते हैं और कैसे ले जा सकते हैं ये मुझे समझाएं. या सो फार अभी हमारे प्रोडक्ट में देख लीजिए, हमने कुछ भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया ये प्रोडक्शन के लिए. अभी क्या कर रहे हैं, ये बनाना चिप्स हम यूज कर रहे हैं, नेंद्रन बना रहे हैं. अभी इसका यील्ड है 28%, तो यील्ड 35 तक इंक्रीज कर सकते हैं. उसका मतलब है ज्यादा प्रॉफिट, व्हिच मींस द स्पेंडिंग इज स्टिल फॉर 100 kg, बट व्हाट वी आर गेटिंग. समझ गया. तो ग्रॉस मार्जिन कहां तक ले जा सकते हो? Easily we can go it up to 75 or even up to 80. We can do some sort of optimization package. आप कर सकते हो 75-80%. We can do that. चलो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ. गुड थिंग इज कि आपने काफी बारीकी से मार्केट को समझा हुआ, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है आपको बहुत हेल्प चाहिए. तो आई कैन ऑफर यू 50 लैक्स फॉर 20% ऑफ योर कंपनी. अनुपम, इफ यू वांट, आई एम ओके टू पार्टनर ऑन दैट डील. हाँ, 50-50. So we can both come in. एक शाक के प्राइस के लिए आपको दो शाक मिल रहे हैं. Together, I think we can build a great company. और आप इसका जवाब हमको अभी दे दीजिए. Yeah. So before giving you an answer for that, let me also give you one more information. So we have closed a round of 1.4 crore rupees. एक सेकंड. अभी इन्होंने पूछा आपसे पहले कि आपने रेज किया है. Yeah, आपने बोला नहीं. रेज किया नहीं. How many invest किया? आपने बोला और किसका पैसा नहीं लगा हुआ है? No. Actually, it was an. तो पूरा पैसा मैंने खुद invest किया है, was the question. I had asked you very categorically that do you own 100% of the company? Yeah. Okay. Sorry, my mistake. Specifically pucha tha yaar. Manas, just to be clear. Yeah. Till date, how much money have you raised till date? So we have raised 1.4 crore rupees till date. No, 1.4 crores from external investor. Yeah, correct. You also put in money initially? Correct, yeah. Which was 70 lakhs. Yeah. And after formalizing the company, we have put in some 8 lakh rupees. Total dilution, kitna? Total dilution, we have 15% so far, actually. 15. The remaining 85 is with us. हम हमारा offer revise करते हैं. ठीक है. क्योंकि आपने एक round किया है recently. Yeah, yeah. The least we will go down to 10% for 50 lakhs. For 50 lakh. हाँ. जिसमें आपको दो sharks का जो भी benefit है वो मिलेगा. मानस, अश्नीर भाई कुछ बोलना चाहते हैं आपको. यार आपने अश्नीर भाई बोल के पहले ही हमको छोटा बना दिया, अब तो उसका ही ऑफर लेगा वो. तो मानस दो ही भाई हैं, मानस भाई सलमान. मेरे को लगता है कि आपके बिजनेस में काफी दम है एंड
जो अभी आपने बाद में चीज बताई वो मैं उसको एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, बिकॉज यू मोर कम्फर्टेबल इन योर लोकल लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश दैन हिंदी. तो मेरे को लगता है कि आप इसको खेल सकते हैं, आप बड़ा ब्रांड बना सकते हैं. तो आपका जो ओरिजिनल ऑफर है 50 लाख्स फॉर 2.5%, अमन और मैं वो स्प्लिट करेंगे उसको, तो 25 लाख्स ईच फॉर द 2.5%. प्यार मोहब्बत से बनाओ बड़ी चिप्स की कंपनी, हमें भी खिलाओ दुनिया को भी खिलाओ. थैंक यू सो मच. अब आप अकेला नहीं बेचेगा, चिप्स हम भी बेचेगा. All the best. All the best. All the very best. Look forward to eating a lot of banana chips. Thank you. आप तो कहाँ से आ गए? And you just swooped it right from under his nose. हमारी टीम ले रहे हैं यार आप.